इस कालखंड में होने वाली घटनाएं आगामी 1000 साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है। गुलामी की मानसिकता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित होकर के एक नए आत्मविश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है। नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है। मेरी भारत माता जो कभी ऊर्जा का सामर्थ्य था लेकिन राख के ढेर में दबी पड़ी थी, वो भारत मां 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ है, उनकी चेतना से उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मां भारती जागृत हो चुकी है और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, यही कालखंड है। पिछले 9-10 साल हमने अनुभव किया है, विश्व भर में भारत की चेतना के प्रति, भारत के सामर्थ्य प्रति एक नया आकर्षण, नया विश्वास, नई आशा पैदा हुई है। और ये प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो विश्व को उसमें अपने लिए ज्योति नजर आ रही है, विश्व को एक नया विश्वास पैदा हो रहा है। हमारा सौभाग्य है कुछ ऐसी चीजें हमारे पास हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत में दी है और वर्तमान कालखंड ने गढ़ी है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थ्य रखती है। आज पूरे विश्व में लोग वहां देशों की उम्र ढल रही है, ढलाव पर है, तब भारत युवान की तरफ ऊर्जावान होकर के बढ़ रहा है। कितने बड़े गौरव का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयु की जनसंख्या दुनिया में सर्वाधिक कहीं है तो ये मेरे भारत मां की गोद में है।